बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी के इंक्रीज होने का एक ट्रेंड है, देयर इज अ ट्रेंड इन द इंक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बढ़ने का एक पर्टिकुलर तरीका है, इट इज अ ट्रेंड इन द इंक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। And this trend is known as latitudinal gradient. और इस latitudinal gradient में latitude का idea मैंने दो chapter पहले आपको पढ़ा दिया था। आज तीसरी बार फिर से बोल रहे, क्या चक्कर है बेटा, कोई दिक्कत, बैठने में दिक्कत है, AC बंद करा दे, फैन बंद करा दे, चालू करा दे, बैठने में दिक्कत है। देखो स्टूल वगैरह है वहां पर, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जगह है, भाईचारा इतना है कि एक ने दूसरे को गोदी में बैठा के रखा हुआ, ब्रावो नहीं, क्या हुआ राजन, कुछ कह रहे हो राजन? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमसे NCERT 1 पूरी पूछूंगा और दिन भर मारूंगा, बस मेरी NCERT 1 खत्म होने दो, तुमको मैं पहला टारगेट दूंगा NCERT 1 पूरी पर, और किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाऊंगा, मैं वॉलंटियर नाम पूछूंगा कि कितने लोग NCERT 1 सुनाना चाहते, और मैं पूछूंगा नाम लिखा के जाओ, और अब मैं एक एक दिन बैठा करूंगा दिन भर, जिसको आना है सुना के जाना है, चैलेंज, जो पूरी सुना के जाएगा उसको एक गिफ्ट क्या मिलेगा, मेरा आशीर्वाद। लालच, एक दिन में एक चैप्टर नहीं, एक एक चैप्टर रिवाइज नहीं होगा, रिवाइज होगा पहले एक एक यूनिट, फिर इसके बाद एक एक बुक, एक दिन में एक यूनिट रिवाइज करके आओ, या चार दिन में रिवाइज करके आओ, मुझे एक वो दिन बता दो कि सर मैं संडे को पूरी यूनिट नंबर 1 सुनाऊंगा, अब मुझे बैठने दो सुनने दो, मैं पूछूंगा, और कोई नहीं, मैं पूछूंगा। गलती, हर एक गलती पे एक डंडा, अच्छा नहीं डंडा नहीं, अरे भाई बैठो यार, कहां जा रहे हो, अरे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा वो ऐसे कर रहा है। सब कोई जानता है आदमी कहां जा रहा है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देयर इज अ ट्रेंड इन इंक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज नोन एज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड के बारे में बताया जाता है, दीज आर हाइपोथेटिकल रे लाइंस जो अर्थ में हमने खींची हुई है, रियल है कि हाइपोथेटिकल, और जिसमें 0 डिग्री पर है इक्वेटर, इक्वेटर है, और 90 डिग्री पर इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो क्या ये पोल है? 90 डिग्री पर, और फिर मैंने कहा है इसे समझने का एक जुगाड़ है, रियल है कि जुगाड़, रियल नहीं है, क्योंकि रियल लाइन के अपने कुछ अलग अलग लाइन के अलग अलग डिग्रीज है, मैंने कहा इसे जुगाड़ समझो, और इन जुगाड़ में मैंने 20 डिग्री तुम्हें पकड़ाया हाथ में, कितना 20, मैंने कहा 20 डिग्री नॉर्थ जाओ 20 डिग्री साउथ जाओ, 0 से 20, इस रियल और जुगाड़, 20 डिग्री यहां हो 20 डिग्री यहां, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ? नॉर्थ, साउथ की तरफ चल रहे हो, और ये 20 डिग्री, फिर बोल रहे 20 से 40 चलोगे, और 20 से 40 चलोगे, बताओ नॉर्थ और साउथ, 20 से 40 नॉर्थ, 20 से 40 साउथ, फिर बोला गया 40 से 60, 40 से 60, फिर से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 से 60 नॉर्थ और ये 40 से 60 साउथ,
फिर 60 से 80 लगभग, 80 लगभग ये है नॉर्थ, और 60 से 80 लगभग ये भी है साउथ, फिर 80 से 90 और फिर 90 के आसपास पोल। और मैंने कहा इन एरिया को जुगाड़ के हिसाब से, रियल की जुगाड़ के हिसाब से नाम दो, और नाम यही होने चाहिए अपने दिमाग में ताकि याद रखो, 0 से 20 ट्रॉपिक, ट्रॉपिक 20 से 40 सब ट्रॉपिक। ये रियल है नहीं, ये रियल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सब ट्रॉपिक के बाद टेम्परेट, टेम्परेट और टेम्परेट के बाद सब पोलर। हो सकता है तुम्हें सब पोलर नाम की कोई जगह ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और इट इज ओ पोलर एरिया है। तो बताओ तुमने कहा ये सारे रीजन नॉर्थ के हैं कि साउथ के? नॉर्थ, यही सारे रीजन के। बोलो ये क्या होगा? ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, सब पोलर, पोलर। और कभी रट्टा मारना पड़े तो 20-20 गिनते जाओ ताकि याद रहे, ठीक है? जीरो इक्वेटर, 0 से 20 चाहे नॉर्थ जाओ चाहे साउथ, 20 से 40। तो अगर मैं 0 से 40 गया हूं, कितने रीजन गया हूं? दो, पहला ट्रॉपिक, दूसरा सब ट्रॉपिक। 0 से 40 गया हूं, ट्रॉपिक एंड सब। 0 से 60 ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट। 0 से 80 ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, सब पोलर। सब पोलर में पहुंच गया हूं, 90 डिग्री पोलर। तो बोलते हैं ये देखने में आया है, IUCN का डाटा ये कहता है कि जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, कहां से? चाहे आप नॉर्थ में जाओ चाहे साउथ में, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज करते, बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी अगर आप लैटिट्यूड इंक्रीज करो। व्हाट इट मींस? व्हेन यू विल मूव फ्रॉम 0 to 90, यू मूव फ्रॉम 0 to 90 degree लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ाओगे, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ाओगे, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी। तो दैट्स व्हाई बायोडायवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूडनल डिग्रीज और द लैटिट्यूड्स। और इनका एक ग्रेडियंट है जो ग्राफ के द्वारा समझाया जा सकता है। पुरानी एनसीईआरटी से उठाया ग्राफ मैंने, ये मत सुना सुनील सर ने ये हाइपोथेटिकल ये लिया। आजकल नई एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में थे। बोला गया पुरानी एनसीईआरटी में ग्राफ बनाता एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ये वाला और ये वाला एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर इन्होंने लिया था एस, दैट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। और एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया था लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड स्टार्ट किया था 0 से। किससे? 0 से। व्हाट इज 0? इक्वेटर। और गए थे 90 तक। कहां तक? 90 तक। व्हाट इज 90? 90 के आगे 100, 100 के आगे 110। पॉसिबल और इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। लैटिट्यूड 90 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कोई बोले नहीं सर ये देखो 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, फिर 40, फिर 50 60 70 80 90 100 110, ऐसा हो गया कितना? 90। इसको देखोगे तभी समझ में आएगा कि 90 क्यों, व्हाई नॉट 100। 90 पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए? पोल। ये है राइट एंगल डिग्री। बताओ ये कोण कितना होता है? 90। चांदा रख के ये एंगल निकाले जाते हैं, ये 20 डिग्री, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 90। चांदा समझते हो? Yes, sir.
प्रकार समझते हो प्रकार, तो ये एंगल दिखाए जाते हैं, तो ये वाला 20, ये वाला 40, 60, 80, 90, और 90 डिग्री से ज्यादा घूमे गुरु तो सर ये 90 नहीं है, फिर इधर से आएगा क्या होगा, ये 80, फिर सर इधर से 60, इधर 40, 20, 0, पल्ले पड़ा ना। मैं तो मैं ये एंगल बनाने सिखाने आया हूं ना, मेरा कोई ऐसा कभी भी ऐसा उद्देश्य रहा कि तुम्हें मैं ज्योमेट्री सिखाऊं, मैं केवल ये सिखाना चाहता हूं कि कैसे 20, 30, 20, 40, 60, 80 बढ़ते हैं, और जैसे जैसे तुम बढ़ोगे 90 के ऊपर पहुंच नहीं पाओगे। तो बोलते हैं अगर तुम एक तरफ लैटिट्यूड लो और एक तरफ स्पीसीज रिचनेस लो, तो जीरो लैटिट्यूड में स्पीसीज रिचनेस इज मैक्सिमम, कैसी बेटा मैक्सिमम, और जैसे जैसे तुम 90 की तरफ बढ़ते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, बढ़ेगी। तो बताओ जीरो डिग्री लैटिट्यूड में स्पीसीज रिचनेस मिनिमम की मैक्सिमम, 10 में और कम हुई, 20 में और कम हुई, 30 में और कम हुई, और जैसे जैसे तुम 90 की तरफ बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। दिस वॉज द ग्राफ गिवन फॉर द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब बोलोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, पागल आदमी हर बार नया टॉपिक उठा देता है। बोलते हैं ये अगर अर्थ है तो आधा स्फीयर ये रहा और आधा ये वाला आधा स्फीयर इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो जैसे जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में तुम जीरो डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करोगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी। ये ग्राफ नहीं दिया है इस एनसीईआरटी में, लेकिन इस ग्राफ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। क्या दिए हैं? एग्जाम्पल। और मैं वो एग्जाम्पल्स आपको डाटा के रूप में पढ़ाना चाहता हूं और वो आपकी एनसीईआरटी में दिए। तो बच्चा पहले टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस करो ताकि ये जगह खाली कर सकूं मैं। करूं? बताओ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी बढ़ने का एक पैटर्न है। बायोडाइवर्सिटी यहां भी बढ़ती है कि एक पैटर्न से? पैटर्न से। कुछ एक्सेप्शन है लेकिन एक पैटर्न के साथ बढ़ती है। बताओ क्या इसे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं? और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। क्या ये लैटिट्यूड है? इधर बिना देखे बताओ, इक्वेटर इज जीरो डिग्री लैटिट्यूड, जीरो डिग्री, और पोल इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। क्या यही नॉर्थ में है? Yes, यही साउथ में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है। इक्वेटर से धीरे 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 तुम पोल की तरफ चलो, या इक्वेटर से धीरे धीरे तुम इस पोल की तरफ चलो, आप लैटिट्यूड में लोअर जाओगे कि हाइयर? हाँ, कई बच्चे गुस्सा जाते हैं कि सर देखो ये तो नीचे आना हुआ, सर ये ऊपर जाना हुआ, तो ठीक है ये तो सर नीचे आना हुआ। तो मैं कहता हूँ कि किसके रेस्पेक्ट में नीचे आना? बोले धरती के। बोले धरती कहाँ है? बोले यही तो धरती है। तो पागलों ये नीचे और ऊपर जाना नहीं है, ये धरती में साउथ और नॉर्थ जाना। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये नीचे जाना है, ये ऊपर जाना है ना, ये है बेटा विथ डिग्री लैटिट्यूड डिग्री, नॉर्थ की तरफ जाना और साउथ की। और नॉर्थ जाओ कि साउथ जाओ, आपकी स्पीसीज रिचनेस पोल की तरफ जाने पर बढ़ेगी घटेगी? तो जितना ज्यादा हायर लैटिट्यूड, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी कम। जीरो डिग्री पे मैक्सिमम, और 90 पर मिनिमम। जीरो पे वाई, जीरो पे मैक्सिमम, क्योंकि ये इक्वेटर है। बोलो क्या है? इक्वेटर। बोले सर आपको कैसे मालूम? हमने कहा IUCN का डाटा बताता है कि अगर आप कोलंबिया में हो, कहां पर? कोलंबिया एक ट्रॉपिक कंट्री है। कैसा कंट्री है? ट्रॉपिक। और कोई मुझे बताए ट्रॉपिक जोन क्या होता है? अरे बेवकूफो, जीरो से 20, जीरो से 20, ये वाला नॉर्थ की साउथ और ये वाला North. तो बताओ 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में क्या है? ट्रॉपिक। फिर से बोलो। लेकिन एनसीईआरटी कहती नहीं, तुम्हारे सर ने गलत पढ़ाया,
तुम्हारे सर ने 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ पढ़ाया, एक्चुअली ट्रॉपिक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, यस और नो? तो बताओ सुनील सर ने सही पढ़ाया कि गलत? गलत, क्योंकि सर ने सही पहले ही बोल दिया था, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज अ जुगा पढ़ाया था। तो बताओ अगर रियल ट्रॉपिक की कोई रेंज पूछे तो क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक चलोगे तो ये क्या मिलेगा? ट्रॉपिक। इसी ट्रॉपिक रीजन में एक कंट्री है, नाम है कोलंबिया। फिर से बोलो, कोलंबिया। और इस कोलंबिया में बर्ड्स काउंट की गई, बर्ड्स की स्पीसीज काउंट की गई। तो बोला गया बर्ड्स की स्पीसीज जब काउंट की गई तो यहां पर 1400 टाइप ऑफ बर्ड्स मिले, 1400 बर्ड्स। ये टाइप ऑफ बर्ड्स है, मतलब ये 1400 स्पीसीज हैं, 1400 प्रकार की स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिली। बोले तुम थोड़ा ऊपर बढ़ो और ऊपर पढ़कर तुम पहुंचो जाकर के न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ। बोलो कहां? अब बताओ 41 डिग्री नॉर्थ पहुंचे तो कौन रीजन? टेम्परेट, सब ट्रॉपिक नहीं, टेम्परेट। 41 40 के ऊपर, इट इज टेम्परेट। तो बोलते हैं अगर तुम न्यूयॉर्क में पहुंचो, न्यूयॉर्क, और यहां 41 डिग्री नॉर्थ है और आप टेम्परेट रीजन में पहुंचे, हाँ हट जाओ वहां से, एकदम हट जाओ, इधर आ जाओ, हटने दो बेटा, क्योंकि जब तक हम इन्हें बुलाएंगे तब तक वो कुछ क्लास ही खत्म हो जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हट जाओ उस जगह से, हटिए, हट जाओ, आ जाओ इधर, आ गया। बताओ हम लोग कहां पर पहुंचे? न्यूयॉर्क, 41 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं 41 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचा हूं तो सब ट्रॉपिक एरिया क्रॉस करके कहां पहुंचा? टेम्परेट। बताओ लैटिट्यूड घटा कि बढ़ गया? तो बताओ स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी कम हो जाए? कम हो जाए। बोलते हैं न्यूयॉर्क में लगभग 105 टाइप ऑफ बर्ड्स है, 105। ये सारे डाटा लर्न करने। बोलते हैं अब तुम ग्रीनलैंड पहुंचो 71 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचो, और अगर 71 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचे तो बताओ कौन सा रीजन है? सब पोलर। तो बोलते हैं आप पहुंचिए ग्रीनलैंड और ये है 71 डिग्री नॉर्थ, और जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको 56 टाइप ऑफ स्पीसीज मिलेंगी बर्ड्स की। अब बताइए जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ रहे हो स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है ये, कोलंबिया में कितनी? 1400, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56। और इसी का एग्जाम्पल वो इंडिया के साथ देते हैं। बोलते हैं इंडिया जिसका ज्यादातर एरिया सब ट्रॉपिक रीजन में है, किसमें? सब ट्रॉपिक रीजन में। आपको बता दूं सब ट्रॉपिक एक्चुअली ट्रॉपिक रीजन की तरह ही डाइवर्सिटी वाले होते हैं। तो अगर इंडिया ज्यादातर एरिया सब ट्रॉपिक रीजन का है तो उनकी बर्ड कंटेंट कैसी होगी? न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड की बेटा कोलंबिया जैसे, कोलंबिया बताओ कोलंबिया में कितनी? 1400, इंडिया में 1200 बर्ड्स है। ये बिल्कुल सही बोल रहे कि कोलंबिया में 1400, सब ट्रॉपिक में 1400, सब ट्रॉपिक में 1200, टेम्परेट में 105, यहां 56। जैसे जैसे ऊपर पहुंचे, जैसे जैसे ऊपर पहुंचे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी घट रही है कि बढ़ रही? घट रही है। और मैंने इसी को बोला था लैटिट्यूडनल पैटर्न, प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए। बेटा वहां से हट जाओ, बस हट जाओ, और कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं अपनी लिमिट जानता हूं, मैं जब तक बुलाऊंगा, जब तक किसी को बुलाऊंगा, ला भाई एसी बंद करवा दो, जाओ। हट जाओ वहां से, बेटा हट जाओ। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो यार? देख नहीं रहे हो वहां पर खड़ा हुआ है? तुम गीले आ गया इधर,
क्वेश्चन में डाटा आपके पास आ गया, आप बता रही पाओ, बताओ कोलंबिया क्या ये ट्रॉपिक रीजन का कंट्री है? Yes, ट्रॉपिक रीजन के लैटिट्यूड याद है? Yes, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, उसी में कोलंबिया है। Yes, कोलंबिया पूरे ट्रॉपिक में नहीं है, उसी इस ट्रॉपिक रीजन में एक कोलंबिया शहर है। कोलंबिया में कितनी बर्ड्स? बेटा इसको बंद करो, 1400 बर्ड्स हैं। कहां जा रहे हो बेटा? यहां बैठ जाओ, अगर बाहर जाने का मन हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेचारे को टोक दिया मैंने, जाना चाह रहे हो बाहर? हाँ तो बैठो, सुनो, अच्छा है, बर्ड्स के बारे में बता रहे। 1400 बर्ड्स हैं कोलंबिया, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56, इंडिया में 1200। और ये इस बात का प्रूफ है कि आप जितना ज्यादा इक्वेटर से, आई एम सॉरी यार, ये सब क्या हो रहा है? इसी में एक बच्चे को मौका मिल गया, उसने बैग उठाया चल दिया। कितना भी भाषण दे लो, कितना भी मोरलिटी सिखा लो, नैतिक शिक्षा सिखा लो, हम जानवर हैं, जानवर ही रहेंगे। हम सांप की तरह फुसफुसाएंगे। और तुम में से किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं कि सामने खड़ा होकर के मेरे सामने ऐसा कर सके। एक आदमी की हिम्मत नहीं, छुप कर किसी के पीठ के पीछे से, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो और क्या करने आते हो काका देव में? पता नहीं कभी कभी होता किन जाहिलों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा कोई तुम्हें पढ़ा नहीं पाएगा, सब पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का तुम्हारे पास टीचर का ऑप्शन नहीं है, सैकड़ों ऑप्शन है, जाओ। पर इन हरकतों से सिलेक्शन पा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जरा सा मौका मिले बदतमीजी करने का, आप तुरंत करना चालू कर देते। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सर आप बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे पढ़ने। बुलाना ही नहीं है तुम जैसे बेवकूफों को, और इसीलिए तुम्हारे साथ ये हरकतें हो रही हैं जो तुमको तुम्हारे साथ होता है। कोई टीचर को फर्क नहीं पड़ता, बोलते हमारा कोर्स खत्म, पैसा लिया, जाओ भागो। कभी सोचने की कोशिश किया करो कि 5-7 हजार 10 हजार बच्चा पढ़ने के बावजूद भी रिजल्ट का देव का शून्य क्यों है? कोई भी तुम जैसे बेवकूफों के साथ बॉदर करने नहीं चाहता, कौन हेडेक ले? पढ़ाओ, फिर इनका रिवीजन कराओ, फिर इनको अच्छे से सिखाओ, फिर इनका सिलेक्शन दिलवाओ, उतनी देर में ये सीसी करेंगे। ये डाटा आप लोग लर्न कर लीजिए जैसे भी हो सके। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। एक कंट्री है इक्वाडोर, इक्वेटर के पास है इसीलिए से बोलते हैं इक्वाडोर। और अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो आप ट्रॉपिक में हैं। कंट्री का नाम है इक्वाडोर, और इक्वाडोर में वैस्कुलर प्लांट को काउंट किया गया, वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट मतलब तीन प्लांट, एक टेरिडो,
जिम्नोएंजियो। वैस्कुलर प्लांट चालू है टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बोला गया कि इन वैस्कुलर प्लांट का काउंट मिड ईस्ट यूएसए और फिर मिड यूएसए जो कि टेम्परेट रीजन में है, किसी भी टेम्परेट रीजन से वैस्कुलर प्लांट को काउंट किया गया, यहां पर 10 गुना प्लांट मिले। कितने गुना? 10। यानी एक मीटर स्क्वायर में अगर एक प्लांट है तो यहां 10। इसका मतलब इक्वाडोर की बायोडाइवर्सिटी वैस्कुलर प्लांट के रिस्पेक्ट में ज्यादा। और क्यों ज्यादा? क्योंकि वो कहां पर है? इक्वेटर। और बेटा अमेरिका कहां है? टेम्परेट। और टेम्परेट रीजन पे क्या बढ़ रही है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बढ़ने पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और बोलते हैं दुनिया के सबसे घने, सबसे बायोडाइवर्सिटी में ज्यादा वाले जंगल, दीज आर नोन एज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। मतलब नहीं है कि आपको कैसे याद रखना है, मैं कोशिश भी करूंगा लेकिन अब नहीं करूंगा। कभी वर्ल्ड मैप को गौर से देखना, गौर से, तो तुमको 7 कॉन्टिनेंट दिखाई पड़े, 7 महाद्वीप दिखाई पड़े। इधर कहीं एशिया, चाइना, रसिया, ये वाला एरिया, समझे, बीच में कहीं यूरोप, इधर कहीं अफ्रीका, यहां नॉर्थ अमेरिका और यहां साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा है एरिया है अमेजॉन नदी का, किसका? एंड दैट इज नोन एज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। दीज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट डाइवर्स फॉरेस्ट। दुनिया के सबसे घने जंगल इन्हीं को माना जाता है। वैसे अफ्रीका के जंगल में भी बहुत घना है लेकिन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को नंबर 1 में रखा जाता है। और बोलते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कैसे हैं? ट्रॉपिकल। और अगर कोई चीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है तो बताओ मिनिमम बायोडाइवर्सिटी की मैक्सिमम? मैक्सिमम, क्योंकि ट्रॉपिक रीजन में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का आपको डाटा देते हैं और कहते हैं ये भी काउंट कर लो। और जो लोग रट्टा मारना चाहते हैं उनको तो मारना ही दो, लेकिन तुमको मैंने तरीके बताए थे, जब भी कोई डाटा दिया जाए अपने मन में 3 पार्ट बना लो। कितने पार्ट? 3 पार्ट। तीनों गोले याद हैं? यस सर। मैं इसे हटा रहा हूं, हटा दूं? यस सर। चलो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 3 डाटा दिए जाएंगे। पहला डाटा होगा एनिमल से, दूसरा डाटा होगा प्लांट से। एनिमल को 2 पार्ट में बांट लो, एक कौन इनवर्टिब्रेट, दूसरा कौन वर्टिब्रेट। और याद रखना प्लांट में यहां पर फंजाई इंक्लूडेड है। बोलो कौन? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनवर्टिब्रेट में पोरी फेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे, और वर्टिब्रेट में 5। बोलो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। और जब ये करोगे तभी सीख पाओगे। जब भी अगली बार मैं कोई डाटा पढ़ाऊं तुम्हारे दिमाग में 3x3 तरीके के कॉलम बन जाने चाहिए। एनिमल, प्लांट, प्लांट तो एक साथ दिए गए होंगे। एनिमल कितने पार्ट में? 2। एक और इनवर्टिब्रेट और एक। और याद रखना इस चैप्टर का एक पुराना डाटा हर बार नए डाटा को सपोर्ट करता है। अगर बुद्धि होगी तो डाटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे कोई बोले कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का डाटा लर्न करना है कैसे करोगे, तो मैं कहूंगा इंडिया का डाटा अगर याद हो तो वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के आसपास का होगा, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के डाटा के साथ मैच कर जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया भी कैसा कंट्री है, ट्रॉपिक के सब ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक ट्रॉपिक जैसे ही डाइवर्स है। यस और नो? आज मैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी तुम्हें गिनाने जा रहा हूं। बोलते हैं यहां पर लगभग 40,000 स्पीसीज है प्लांट की। किसी को इंडिया की याद है? कितना? 45,000। ऑलमोस्ट उतनी है जितनी इंडिया में। 40 और 45 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है।
फिर बोलते हैं कि सर एनिमल में इनवर्टिब्रेट लगभग 1,25,000 स्पीसीज हैं, 1,25,000 स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स, और वो भी कौन, वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। अब बचे वर्टिब्रेट पांच, बोलो कौन, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। मुझे सबका नहीं मालूम लेकिन बर्ड्स का मालूम होना चाहिए। याद करो कोलंबिया 1400, इंडिया 1200, यहां 1300, ऑलमोस्ट बराबर ही है। भूल गए, कोलंबिया 1400 ट्रॉपिक रीजन का था, इंडिया सब ट्रॉपिक का था, कितना 1200, यहां 1300। तो मुझे इसलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैं रिलेट कर लेता हूं। और फिर मैंने कभी ना कभी तुम्हें बताया था कि जितने एम्फीबियन है लगभग उतने मैमल, कल के ग्राफ में बताया था एम्फीबियन और मैमल लगभग बराबर, याद रखना 427 एम्फीबिया और 427 मैमल की स्पीसीज मिली है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। अब बचा फिश, याद रखना लगभग 3000 स्पीसीज, कितनी तीन, प्लीज देख लीजिए 3000 है। एंड रेप्टाइल की लगभग 378 स्पीसीज है, कितनी 378। ये दो डाटा के अलावा मुझे और कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा अगर मेरा दिमाग खुला है तो। मैं इंडिया से इसे रिलेट कर लूंगा, इंडिया में प्लांट कितना था 45,000, यहां पर पक्का, आप बोलो यहां पर आए इनवर्टिब्रेट कितना 1,25,000, इंडिया में टोटल एनिमल 90,000 के आसपास थे, उससे ज्यादा ही होगा 1,25,000। फिर आए फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, चूंकि ये एरिया ट्रॉपिक रीजन का है, किसका, तो ट्रॉपिक जैसा ही बिहेव करेगा। कोलंबिया में 1400, इंडिया में 1200, यहां पर 1300, ये मिल गया। अब बच्चे चार डाटा कैसे लर्न करें, हमने कहा था जितना एम्फीबिया उतना मैमल, एम्फीबिया 427, मैमल 427, रेप्टाइल 378, फिश 3000, याद कर पाओगे। अब इस पैराग्राफ के जितने लोग, जितने भी डाटा हैं, देखना एक बार दिमाग लगाओगे याद आएगा। इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में मैंने पढ़ाया कि दुनिया में बायोडाइवर्सिटी बढ़ने का एक ट्रेंड है, और जो हैफजर्ड उसका कोई ट्रेंड है, क्या आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, क्या इसे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्राफ याद है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम, 90 पर मिनिमम, क्या इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने डाटा दिए, डाटा दिए बर्ड्स के, पहले किसके, बर्ड्स के, आपको कोलंबिया याद है, अब बुक मत देखो ट्रॉपिक रीजन में था, कितनी 1400, 41 डिग्री नॉर्थ गए, न्यूयॉर्क 105, 71 डिग्री नॉर्थ गए, ग्रीनलैंड बोलो 56 है, क्या गजब बात बोल रहे, तो आगे बोलो इंडिया गए, ट्रॉपिक के सब ट्रॉपिक, कितना 1200 पक्का। फिर हमने कहा कि अगर इक्वाडोर जाओ, कहां जाओ इक्वाडोर, और मिड यूएसए जाओ, तो बताओ दोनों के प्लांट की स्पीसीज काउंट करोगे, सारे प्लांट की वेस्कुलर, कहां पर ज्यादा, कितना 10 गुना पक्का। फिर हमने पकड़ा दुनिया का सबसे घने जंगल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन नदी के आसपास है, और बोला गया दुनिया के सबसे डाइवर्स फॉरेस्ट है, और इनमें डाटा दिया गया जो हमसे लर्न नहीं होगा, होगा होगा। मैंने कहा डाटा जब भी दिया जाए अपने मन में तीन बातें रख लो, प्लांट, एनिमल, और एनिमल में इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। प्लांट कितना इंडिया में, एनिमल में इनवर्टिब्रेट 1,25,000, इंडिया में लगभग 90,000 थे टोटल एनिमल, यहां पर वर्टिब्रेट में कितने लोग, 5, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, आइए बर्ड्स काउंट करें, 1300, एम्फीबिया 427, मैमल 427, रेप्टाइल 378, और फिश 3000।
पक्का? Yes, sir. और तुमको लगेगा मैंने रटा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर रिलेट करोगे तो तुमको याद होगा टोटल दुनिया में कितनी मछलियां थी, 28,000 चीटियां, 20,000, देखो सारे डाटा ले रहे पहले पेज से, पहले पेज से बताओ, बीटल 3,00,000, याद आया? ऑर्किड 20,000, पहला पेज खत्म, डाटा पूरे पहले पेज के डाटा अपनी जेब में, दूसरे पेज में आए डाटा नहीं है, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है कितने प्रकार की, 3, फिर डाटा आया नीचे 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, और जब हमने इन्वेंटरी मैच की 20 से 40 मिलियन, 20 से 50, बोला ये सही, रॉबर्ट मे की बात मानो, कितना, 7 मिलियन, पक्का? फिलहाल जो नहीं मिला उनके बारे में बात बाद में, जो अभी है उन पे बात करें, 70% एनिमल, 30% एनिमल का, 70% 30% अदर। देखो डाटा आपकी जेब में जा रहा है, प्लांट 30% होने चाहिए, पेड़ों पर डाटा दो कितने, 20-22, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, पक्का? फिर मैंने कहा कि अगर फंजाई को बाकी एनिमल के बाद इन वर्टिब्रेट एनिमल से कंपेयर किया जाए, फंजाई निकल जाएगा बड़ा, क्या नहीं लेनी है, बस। फिर मैंने कहा अगर इसमें स्पीसीज की डेफिनेशन बैक्टीरिया पे लागू हो जाए, बवाल हो जाएगा, तो हमने स्पीसीज की डेफिनेशन में बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया, इसमें नहीं किया, वैसे करते हैं, पक्का? और तब हम उसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल लेते हैं कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल। फिर इंडिया के बारे में बोला गया 2.4% लैंड, 8.1% बायोडाइवर्सिटी, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, प्लांट 45,000, एनिमल लगभग 90,000, और मिलेंगे 1,00,000 प्लांट, 3,00,000 एनिमल। आज पैटर्न बायोडाइवर्सिटी आपके पास है, डाटा है, yes, और जब यहां से जाया करो तो एक दूसरे से पूछा करो कि भैया क्या पढ़ाया गया आज, डाटा ऐसे याद रख पाते, और वो पूछेंगे कि वाई, ये अगला टॉपिक है, वाई ट्रॉपिकल रीजन इज सो मच डाइवर्स, ट्रॉपिकल रीजन इतना डाइवर्सिफाई क्यों है, और इसके 3 कारण एनसीईआरटी में दिए गए, मैं 3 कारण बताऊंगा, वैसे तो 12 कारण, 10 से 12, पर 3 कारण जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी क्यों है, ये पता लगाओ, यानी इक्वेटर के आसपास इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी क्यों है। अगर आप ये बात पता लगा के लाते हो तो अच्छा लगेगा। बोले इसके 3 कारण है। पहला कारण है स्पेसिएशन, नई स्पीसीज का बनना ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा होता है। तो पहले व्हाट इज स्पीसिएशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, पहला ही क्वेश्चन आप सबने एक दूसरे से पूछना चाहिए कि कैसे नई स्पीसीज बन जाती होगी, क्या भगवान बनाते होंगे, नहीं, बोलते हैं ओल्ड स्पीसीज के होते हैं इवोल्यूशन, ओल्ड स्पीसीज में होता है इवोल्यूशन, तो कुछ ओल्ड स्पीसीज ओल्ड रह जाती हैं और इन ओल्ड स्पीसीज से न्यू स्पीसीज बन जाती, जैसे हमारे बारे में बोला गया कि हम लोग प्राइमेट से पैदा हुए, बंदरों से पैदा हुए, तो जब हम पैदा हुए तो बंदर दुनिया से खत्म हो, बंदर भी हैं, हम भी डाइवर्स होकर नई स्पीसीज बना बैठे, तो बंदर हुआ करते थे, ह्यूमन नहीं हुआ करते थे, तो बंदरों से ह्यूमन बनना इसका मतलब बंदर दुनिया से खत्म, क्या पुरानी स्पीसीज में कुछ इवोल्यूशन होता है और क्या बनती है न्यू स्पीसीज, और बोलते हैं इन इवोल्यूशन में जेनेटिक चेंज आते हैं, बंदर से आदमी क्यों बने होंगे, क्योंकि बंदरों के डीएनए में बदलाव हुआ होगा, मंकीज का डीएनए बदला होगा, मॉडिफाई हुआ होगा,
और वो मॉडिफाई हुआ होगा जेनेटिक चेंजेस से, और ये जेनेटिक चेंजेस कहलाते हैं म्यूटेशन। बोलो क्या? म्यूटेशन। और दुनिया का हर म्यूटेशन यूजफुल? तो बहुत सारे म्यूटेशन हुए होंगे, लाखों करोड़ों म्यूटेशन, कोई एक म्यूटेशन यूजफुल हुआ। और याद रखना, म्यूटेशन करना एक स्लो प्रोसेस है। क्या लगता है? स्लो प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस में समय बहुत चाहिए। तो इवोल्यूशन बहुत फास्ट प्रक्रिया है कि स्लो? स्लो। तो आपको टाइम बहुत चाहिए। तो बोल रहे पूरी धरती को यार बराबर समय ही मिला है, चाहे वो पोल हो। फिर सुनो, ऐसा थोड़ी ना कि इक्वेटर को समय ज्यादा मिला है और पोल को समय कम मिला है। ऐसा थोड़ी ना, धरती तो जब से घूम रही तब से एक साथ ही घूम रही, सब सारा समय एक साथ। लेकिन जब से धरती पे समय की प्रक्रिया चालू हुई, बिग बैंग हाइपोथेसिस चालू हुई, तब से हमने समय को काउंट करना चालू किया, हमारा इक्वेटर रीजन अनडिस्टर्ब है। कैसा है? अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब का मतलब है यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि यहां साल भर गर्मी और साल भर पानी बरसता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गर्मी क्यों ज्यादा है? क्योंकि सनलाइट यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम की मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी से बताओ इवेपोरेशन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो यहां साल भर गर्मी और साल भर पानी बरसता है, मौसम एक सा है। अरे नहीं है, तुम 12 महीने जाओ यहां बारिश मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन में, 12 महीनों तुमको एक ही जैसी गर्मी, बारिश, उमस मिलेगी इस एरिया। और इस वजह से यहां की स्पीसीज इस मौसम के लिए अडाप्ट हो रही है, वो अडाप्ट हो गई, और इसलिए उनको डिस्टर्ब टाइम मिला कि अनडिस्टर्ब? अनडिस्टर्ब। और ये अनडिस्टर्ब टाइम होने की वजह से धीरे 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 स्लो प्रोसेस से क्या होते रहा? इवोल्यूशन। फिर से बोलो। अब तुम आओ टेम्परेट रीजन में, ये रहा टेम्परेट रीजन। बोलते हैं समय ये भी उसी को उतना मिल रहा, लेकिन इस टेम्परेट रीजन में ग्लेशियर बनते रहते हैं। टेम्परेट रीजन वो रीजन है जिनमें ग्लेशिएशन होता है, ग्लेशियर बनते हैं, और इन ग्लेशिएशन की वजह से ग्लेशियर पिघलते और बढ़ते और टूटते रहते हैं। तो वो स्पीसीज जो नई बनने की कोशिश में कई बार इन्हीं ग्लेशियर में दब गई। तो बताओ इनको टाइम मिला डिस्टर्ब कि अनडिस्टर्ब? डिस्टर्ब। इनको क्या डिस्टर्बेंस है यहां? हाँ, ग्लेशिएशन। और यहां डिस्टर्बेंस नहीं है। तो बताओ किसको अनडिस्टर्ब टाइम मिल गया? ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक रीजन में जो इवोल्यूशन हुए, उन्होंने नई स्पीसीज ज्यादा बनाई, कम बनाई कि ज्यादा? और बताओ यहां पर जो बेटा इवोल्यूशन हुए उनमें क्या हुआ? डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस कैसे? ग्लेशियर। और इस वजह से यहां पर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कम है। तो बताओ कहां ज्यादा? ट्रॉपिकल। और कहां कम? टेम्परेट रीजन में। क्योंकि स्पीसीज, नई स्पीसीज बनना कहां ज्यादा पॉसिबल है? ट्रॉपिक में। क्यों? क्यों? ऐसा नहीं कि ये पिछले 3 बिलियन सालों से है तो ये भी 3 बिलियन सालों से है, लेकिन ये डिस्टर्ब कि अनडिस्टर्ब? अनडिस्टर्ब। और ये हर 10-25-50 सालों में भूकंप आते हैं, हर कुछ सालों बाद बड़े तूफान आते हैं। तुमने एक साइक्लोन का नाम इंडिया में सुना है कि अमेरिका में? अमेरिका, भयानक समुद्री तूफान, भयानक साइक्लोन्स, ये सब अमेरिका की खास बात है। इंडिया में वैसे तूफान नहीं है। इसका मतलब टेम्परेट रीजन ज्यादा डिस्टर्ब है, और इस वजह वहां पर स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हुआ कि कम? कम। जाग जाओ बेटा। तो पहला कारण याद रखना है स्पीसिएशन, दूसरा कारण है निके स्पेशलाइजेशन। ऑल्दो इसका नाम निश होना चाहिए, पर मैं इसे निके स्पेशलाइजेशन ही बोलता हूं, मुझे यही पढ़ना अच्छा लगता है। इट इज निश स्पेशलाइजेशन। मैंने पहले भी निश आपको पढ़ाया है। इट इज अ हैबिटेट विथ फंक्शन।
आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पर आपके फंक्शंस होंगे, उन फंक्शन के साथ उस हैबिटेट के बारे में पढ़ना, इट इज निश। बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन के निश बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। इसको समझाने के लिए मुझे जगह खाली चाहिए। पहला पढ़ा दोगे? नहीं बता पाओगे? बताओ, ट्रॉपिक रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ स्पीसिएशन कम है कि ज्यादा? हाँ, ज्यादा। स्पीसीज कम बनी कि ज्यादा? ज्यादा। क्योंकि यहाँ का टाइम डिस्टर्ब रहा कि अनडिस्टर्ब? और टेम्परेट रीजन का टाइम डिस्टर्ब। दूसरा है निके स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज निके, व्हाट इज निश? हैबिटेट विथ फंक्शन। मैंने पहले भी पढ़ाया कि किसी जगह पर आप रहते हो उस जगह का नाम हैबिटेट। वहां पर आपके फंक्शन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ लोगों ने वहां पर बैठ करके पान मसाला थूका, तो आप जान लो कि वहां पर एक तंबाकू खाने वाला बंदा बैठता है। ये उसका निश है। क्या है निश? कहीं तुमने गोबर देखा, इसका मतलब यहाँ शेर रहता है। क्या होने था? गाय। क्योंकि तुमने देखा गाय या भैंस गोबर करता है। ये बात हंसने वाली नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन से उसके हैबिटेट को कोरिलेट किया जा सकता है। बोले जहां पर भी बहुत बड़े बड़े बिल बांबी होंगे, समझ लो यहां पर सांप रहते हैं। कौन रहते हैं? सांप। चूहा भी होगा, चूहे के बिल और सांप के बिलों में डिफरेंस नहीं आता, तो तुम शहर में ही रहो, अच्छा है। बेवकूफों, चूहे के बिल और सांप के बिल एक जैसे? यस सर। आइटम हो तुम, जाओ गांव में, लोग बता देंगे कि ये सांप की बांबी है। व्हाट इज बांबी? थोड़ा जमीन से उभरे हुए। यस और नो? तो आप हर बंदे का फंक्शन देख के बता सकते हो कि किसका हैबिटेट। अब ध्यान सुनो, चूंकि ट्रॉपिक रीजन का क्लाइमेट, अब की बार मैंने टाइम नहीं बोला, ट्रॉपिक रीजन का क्लाइमेट मोर कांस्टेंट है। मैंने कांस्टेंट बोला कि मोर कांस्टेंट? मुझे मालूम है कि कभी भी वेदर, कभी भी क्लाइमेट कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेट के रेस्पेक्ट में मोर कांस्टेंट। आप बोलोगे टेम्परेट के रेस्पेक्ट में मोर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है साल भर बारिश होनी है, साल भर गर्मी पड़नी है, ये किसके बारे में कह सकते हैं? लेकिन अमेरिका में या फिर टेम्परेट रीजन में ऐसा नहीं है, या फिर सब ट्रॉपिक में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में तुम सर्दी में पैदा हो और सर्दी में मर जाओ, तो भगवान से यही बोलो, भगवान कहाँ भेज दिया था, बहुत सर्दी थी। और अगर इंडिया में तुम गर्मी में पैदा हो और गर्मी में मर जाओ, तो भगवान से कहोगे भगवान कहाँ एकदम उबलते हुए जगह पहुंच गया था। और दोनों आदमियों को बोलो कि तुम दोनों लोग इंडिया से होके आए हो, देखो तुम भी इंडिया से आए हो, तुम भी इंडिया से आए। बोले हो ही नहीं सकता, जब मैं गया था तो बहुत सर्दी थी और जब मैं गया था तो बहुत गर्मी थी। तो बोले हाँ ऐसा होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का मौसम फिक्स है कि वेरिएबल? कम वेरिएबल की बहुत बहुत। और अमेरिका में जाओ तो ऐसी हालत और बढ़ेगी। अब याद रखो, ट्रॉपिक रीजन का जो रीजन है, ट्रॉपिक रीजन का जो मौसम है, ट्रॉपिक रीजन का जो बेटा क्लाइमेट, इट इज मोर कांस्टेंट, मोर कांस्टेंट। अब इस बात को ध्यान से सुनना तो समझ पाओ। इसलिए जिन्होंने अपने हाउसेस, अपने हैबिटेट क्रिएट किए, उन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार घोंसला बना लिया, आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक इस घोंसले में रह सकते हैं, या जब तक कि कोई प्रेडेशन ना करे। सो हैबिटेट दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पीसीज। और जरा साइबेरिया के बारे में सोचो, अगर तुमने पेड़ में घोंसला बनाया है तो तुम्हें मालूम है कि सर्दियों में घोंसले के ऊपर आइस डिपॉजिट हो जाएगी और बच्चे जो होंगे और तुम होगे, बचोगे कि जम जाओगे? जम जाओ। तो साइबेरिया में ये घोंसला एक बार बनाना पड़ेगा कि बार बार? एक बार। आप इस घोंसले में रह रहे हो गर्मियों में, और जैसे सर्दियां आने वाली भाग के आ गए इंडिया, आ गए केवलादेव, कहां? भरतपुर। और जब भरतपुर में हो तो तुम्हें लगता तुम्हारा घोंसला वहां बचेगा? बताओ, इसमें आइस डिपॉजिट हो जाएगी और वापस लौट के आओगे, हर बार घोंसला नया बनाना पड़ेगा? इसका मतलब आपका हैबिटेट यहां पर स्पेशलाइज्ड है कि अनस्पेशलाइज्ड? और जहां का हैबिटेट अनस्पेशलाइज्ड है वहां पर माइग्रेशन होते रहते हैं। क्या होते हैं? माइग्रेशन। और माइग्रेशन होने की वजह से वहां की स्पीसीज बढ़ेंगी कि कम होती रहती? कम होती रहती।
और जहां पर मौसम कांस्टेंट है वो लोग कभी भी अपना घर तो छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे लोग उनके घरों में और आ जाएंगे। इस समय जाइए प्रयागराज, गंगा नदी संगम के किनारे सीगल्स आए हुए हैं, और आपको वहां पर सीगल्स साइबेरिया से आए हुए हैं, कम मिलेंगे कि ज्यादा? ज्यादा। और क्या वहां इंडिया की बर्ड्स गायब हो गए? नहीं, वो तो हैं, साथ में और बर्ड्स आ गए। तो बताओ प्रयागराज के आसपास बर्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया। सो व्हेनेवर देयर इज अ निके स्पेशलाइजेशन, व्हेनेवर देयर इज अ निके स्पेशलाइजेशन, देयर विल मोर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। तो दो कारण बताओ, पहला स्पेसिएशन, दूसरा निके या फिर मिस स्पेशलाइजेशन, एंड द थर्ड दैट इज नॉट द लास्ट। याद रखना ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर रीजन में सनलाइट मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम और सनलाइट मैक्सिमम, तो पौधों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम, तो फ्लोरा मिनिमम की मैक्सिमम, फ्लोरा मैक्सिमम तो फौना, और फौना फ्लोरा मैक्सिमम तो बताओ बायोडायवर्सिटी भी मैक्सिमम। तो याद रखना इक्वेटर रीजन की सनलाइट एंड प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम, सनलाइट एंड प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, और प्रोडक्टिविटी और सनलाइट अगर मैक्सिमम हुई तो बताओ यहाँ की फ्लोरा और फौना मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम, और इसीलिए यहाँ का डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा। क्या ये तीन कारण बता पाओगे? घर जाके पढ़ना जरूर, जहां लिखा हो why the tropic region is more diverse। तीन कारण दिए हैं, ऐसे 10 कारण और भी हैं, लेकिन तीन कारण कम से कम याद रखो जो एनसीईआरटी के हैं। याद रखोगे? पहला स्पेसिएशन, नई स्पेसीज बनने के लिए डिस्टर्ब टाइम चाहिए कि अनडिस्टर्ब? टाइम सबको बराबर मिला, लेकिन अनडिस्टर्ब टाइम किसको ज्यादा मिला? ट्रॉपिक, और ट्रॉपिक रीजन में ग्लेशिएशन नहीं है, तो डिस्टर्ब की अनडिस्टर्ब? अनडिस्टर्ब। तो नई नई स्पीसीज बनती गई, नई स्पीसीज बनी ही नहीं, साथ में माइग्रेट भी हो गई, क्योंकि हमारा निके स्पेशलाइज्ड है। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड? यानी हमारा निके बदलता। व्हाट इज निके? व्हाट इज मिस? इट इज अ हैबिटेट विद फंक्शन। हमें हर बार अपना हैबिटेट और फंक्शन बदलना, हमें हर बार घोंसला बदलना, अपना फंक्शन बदलने, साइबेरिया के बर्ड को फंक्शन बदलने पड़ते हैं। आज फोरेजिंग कर रहे हैं, कल माइग्रेशन करना पड़ेगा। कब? जब सर्दियां आने लगेंगी। तो बताओ वो वहीं रुकेंगे कि उड़के आ जाएंगे? उड़के। तो जिनका कांस्टेंट है उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो होंगे ही, साथ में और आ जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। सोना मत। तीसरा सनलाइट कम की ज्यादा? ज्यादा। प्रोडक्टिविटी ज्यादा? फ्लोरा ज्यादा? फौना ज्यादा? पक्का? इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा। इस टॉपिक का सबसे खतरनाक टॉपिक है, इट इज नोन एज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और जिस पॉइंट पर मैं पढ़ाने आया हूं, मैं ही जानता हूं कि तुम कितना समझोगे, पर आई विल ट्राई। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में एक साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, साउथ अमेरिकन की नॉर्थ अमेरिकन, अपनी बुक में देखो, साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट है, नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अच्छा साउथ अमेरिकन जंगल, साउथ अमेरिकन जंगल में एक्सपेरिमेंट करने वाले एक जर्मन साइंटिस्ट, और इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
और इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में जितने ज्यादा हैबिटेट विजिट किए, मुझे मालूम है ये टॉपिक मुझे पढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, मैं फिर बोल रहा हूं कि एकदम शांत रहना और समझने की कोशिश करना। तो साउथ अमेरिकन जंगल में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये देखा कि जंगल में जितना ज्यादा एरिया आप एक्सप्लोर करोगे, स्पीसीज रिचनेस उतनी बढ़ेगी। और यहां पर स्पीसीज रिचनेस जान लेना बहुत जरूरी है, पहले भी पढ़ाई थी, दोबारा फिर से पढ़ा रहा हूं। ध्यान सुनना, जैसे आपने मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया खोजा, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर एरिया देखा, आपको यहां पर एक बर्ड मिली, लेट सपोज एक इंसेक्ट मिला, एक स्नेक मिला, एक का मतलब एक स्नेक की एक स्पीसी, हो सकता है कोबरा के 10 कोबरा मिल जाए, 10 सांप मिल जाए, लेकिन उसे 10 मानोगे कि एक क्यों? ऑल द कोबरा स्पीसीज आर सेम। अगर तुम्हें 1000 कॉकरोच मिल जाए तो 1000 मानो कि एक बिकॉज ऑल द कॉकरोच आर सेम स्पीसीज। जैसे यहां पर बैठे 400 लोग, 400 लोग की एक स्पीसीज, एक हम कौन है? होमो सैपियंस। तो एक बर्ड मिलने का मतलब एक साथ अचानक तुमको दिखाई पड़े 5000 तोते पैरट्स, अब वो 5000 है कि एक है? एक। आपको एक बर्ड मिली, एक इंसेक्ट मिला, एक स्नेक मिला, साथ में आपको एक प्रकार की ग्रास मिली और एक ही प्लांट मिला, 1 मीटर स्क्वायर में एक प्लांट मिला, कोई बड़ा सा नीम का या फिर आम का कोई। फिर उन्होंने कहा कि अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को आप 10 मीटर स्क्वायर एरिया में चेंज कर दो, नाउ इट बिकम 10 मीटर स्क्वायर एरिया। इस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको 3 बर्ड्स मिली, मतलब 3 का मतलब 3 स्पीसीज, हो सकता है इन बर्ड्स को गिनो तो हजारों, समझ गए? लेकिन स्पीसीज कितनी? 3। आपको लगभग 50 इंसेक्ट मिले, 50 स्पीसीज, मतलब व्हाट इज, कॉकरोच मिला, झिंगुर मिला, चींटी मिली, चीटा मिला, वैस्प मिला, बटरफ्लाई मिली, ऐसे करके कितनी? 50। फिर इनको 2-3 प्रकार के स्नेक मिले, कोबरा के साथ वाइपर भी मिल गया, तो मान लो 2 इस टाइप के स्नेक मिले। फिर इन्होंने देखा कि ग्रासेस भी, कई प्रकार की ग्रासेस हैं, कुछ जंगली घास है, कुछ बांस के पौधे वो भी ग्रास है, कुछ गेहूं जैसे पौधे हैं, तो इनको लगभग 3 टाइप की ग्रास मिली और लगभग 10 टाइप के प्लांट मिले, आम मिला, नीम मिला और अलग अलग प्रकार के प्लांट मिले। बताइए, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज कम हो रही कि ज्यादा? और वो कहते हैं ऑन एक्सप्लोरिंग एरिया ऑफ द हैबिटेट, हैबिटेट का एरिया जितना बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट, बट अप टू अ लिमिट। हो सकता है कि 10 मीटर स्क्वायर के बाद आप 100 मीटर स्क्वायर देखने लगे, 100 मीटर स्क्वायर में आपको सब चीजें 100-100 गुना मिल गई, 300, 5000, 200, 300 और ये कितने? 10 नंबर ऑफ प्लांट, चलो 10, तो 1000 प्लांट मिल गए। अब बोले, अब आप 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को, फिर भी इतनी स्पीसीज, नंबर बढ़ा, टाइप नहीं बढ़ा, तो बताओ ये बढ़ता जाएगा अनलिमिटेड की अप टू अ सर्टेन सर्टेन? तो बताओ स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, और ये हमेशा बढ़ती जाएगी, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगी। और इसका एक रिलेशन दिया गया, S इज इक्वल टू CA की पावर Z, चाहे जितना समय लग जाए, जब तक सब कुछ समझ में ना आए हाँ मत बोलना, मैं ये पढ़ाने ही नहीं आया हूं, मैं इतना पढ़ा लूं तो मैं आज बहुत बड़ा राजा बाबू, मैं बहुत अच्छा टीचर मान लूं अपने आप को, मैं इतना अगर पढ़ा दूं तो। बताइए किसी भी इकोसिस्टम का क्या बढ़ाओगे तो स्पीसीज रिचनेस घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, घटेगी कि बढ़ जाएगी? मान लो ये हैबिटेट का नाम है डेजर्ट, बोलो क्या नाम है? डेजर्ट।
तुमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में डेजर्ट में देखा एक बिच्छू मिल गया, एक सांप, एक झाड़ी, ठीक। 10 मीटर स्क्वायर एरिया में तुम्हें 2 अलग अलग प्रकार की बिच्छू, एक काला एक पीला, 2 अलग स्पीसीज मान ली, 2 प्रकार की झाड़ियां, 3-4 प्रकार के सांप, बताओ स्पीसीज रिचनेस। लेकिन पूरा तुम और एरिया बड़ा ले गए तो स्पीसीज रिचनेस और बढ़ती जाएगी। एक लिमिट के बाद आपको वही सेम टाइप के एनिमल रिपीट होने लगेंगे? नो सर। तो बोलते हैं एरिया ऑफ बायोम या एरिया ऑफ इकोसिस्टम बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी। यस और नो? यस। और इसको कैसे बोला? एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बस इतना ही सीखो, खुद सोचो। अगर ये खुद सोच पाओगे तो काम बन जाएगा। तुम एक जंगल में घुसते हो, हर बंदा किसी ना किसी गांव से रिलेटेड है और उसके गांव के आसपास कोई ना कोई तो बाग बगीचा जंगल जरूर होगा, और आप आम खाने, बेर खाने, नींबू तोड़ने, कुछ करने उस जंगल में जाते हो। जैसे ही घुसते हो तुमको वहां शेर मिल जाता है? नहीं मिलता। पहले आपको कोई घास दिखाई पड़ेगा, गधा प्लांट जाएगा। तुम्हें मालूम है अंदर जितना घुसते जाओगे खतरनाक जानवरों के मिलने के चांसेस, सांप मिलने के चांसेस, बिच्छू मिलने के चांसेस। और कई बार लोग बोलते हैं उस एरिया में मत जाना, वहां काला नाग रहता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो एरिया कोर एरिया है और वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो बोलते हैं जितना ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया एक्सप्लोर करते जाओगे तो क्या बढ़ेगा? एरिया। तो एरिया बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी? स्पीसीज रिचनेस। और ये बात किसने बोली? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और बोला ये बढ़ती जाएगी अनसर्टेन की अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट। हटाई से फिर से बोलेंगे स्पीसीज एरिया ग्राफ या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट इज एस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। व्हाट इज ए? एरिया की एक्सप्लोर एरिया, एक्सप्लोर एरिया। एज वेल एज वी एक्सप्लोर द एरिया, वी एक्सप्लोर एरिया ऑफ हैबिटेट। व्हेन वी एक्सप्लोर एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस। जितना ज्यादा एरिया ऑफ इकोसिस्टम आप बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ऐसा पॉसिबल है। बाकी अदर साइंटिस्ट के इक्वेशन को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के साथ लिखा, और इन्होंने बोला कि अगर स्पीसीज रिचनेस और एरिया एक्सप्लोर का ग्राफ बनाया जाए, पेन छोड़ दो, मुश्किल हो जाएगा समझना। अगर आप ग्राफ बनाते हो एक्स और वाई में और वाई एक्सिस पर लेते हो एस, That is known as species richness. और x axis में लेते हो area, area explored. तो species richness और area explored के बीच में आपको एक graph मिलेगा जो कि rectangular hyperbola होगा। मुझे नहीं मालूम ये hyperbola है कि नहीं, book लिखती है इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे कई बार ये पैराबोला लगता है लेकिन बुक बोलती है कि ये हाइपरबोला, मैंने हाइपरबोला मान लिया। घर जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे? पढ़ना जरूर, वरना ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में कभी घुसने वाला नहीं। बोलते हैं कि स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस घटेगी कि बढ़ेगी? बट अ सर्टेन, उसके बाद एरिया और बढ़ाओ स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और इसका एक रिलेशनशिप दिया गया, एस इज डायरेक्ट, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। और यही सबसे खतरनाक इक्वेशन है। और जहां तक हो सके
लिखने की बजाय समझने की कोशिश करोगे तो मजा आ जाएगी, नहीं बाकी तुम्हारी मर्जी। व्हाट इज एस? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, बस यही बोलोगे तो अच्छा लगेगा। व्हाट इज ए? एरिया एक्सप्लोर। एक्स एक्सिस, तो यहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप लीनियर क्योंकि इसमें सी है और जेड है। क्या है? जेड। बोलो व्हाट इज जेड? जेड इज टेन थीटा। रुक जाओ, लिखना बंद करो। जेड इज, जेड इज एंड टेन थीटा इज नोन एज स्लोप। बोलो क्या? स्लोप। और मुझे बचपन से पढ़ाया गया टेन थीटा इज लंब बटा आधार। इस ग्राफ में ये रहा लंब, ये रहा आधार। वाई एक्सिस इज लंब, ये वाला आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बोला गया Z इज नथिंग बट इट इज Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस। इसका मतलब S अपॉन A, S अपॉन A का मतलब स्पीसीज रिचनेस अपॉन एरिया। आप सुनो, स्लोप, स्लोप हर जगह पर ग्राफ की एक जैसी नहीं है। बताओ पहले कम है, पहले स्लोप ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्लोप घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक जगह पर स्लोप जीरो। अगर ग्राफ पढ़ना नहीं आता तो ये टॉपिक इसीलिए सबसे खतरनाक है। बायोलॉजी वालों के लिए ग्राफ क्यों मुश्किल हो जाते हैं? कि तुमको स्लोप ही नहीं मालूम। व्हाट इज स्लोप? इट इज ऑलवेज टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पूरे ग्राफ में व्हाट इज परपेंडिकुलर? स्पीसीज रिचनेस। व्हाट इज बेस? और आपने देखा कि व्हाट इज स्लोप? मेरे टीचर थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। मैं एक बार परेशान हो गया कि सर व्हाट इज स्लोप? बोले सुनील जहां पर बैठ के सरक सको वहीं पर है स्लोप। तो हमने कहा सर यहां पर बैठेंगे तो सरक जाएंगे, बोले यहां स्लोप है। हमने कहा सर यहां पर बैठेंगे सरक जाएंगे, बोले यहां पर भी स्लोप है। बोलो अच्छा बताओ यहां पर बैठोगे तो? यहां पर स्लोप नहीं है, यहां स्लोप जीरो। अब भैया बायोलॉजी पढ़ने वाला मैथ नहीं जानता तो ऐसे ही सिखाना पड़ता है। बताओ यहां पर स्लोप? और जहां ज्यादा सरक सको वहां स्लोप ज्यादा। अब बताओ यहां पर सरकने की टेंडेंसी ज्यादा तो यहां स्लोप? यहां, यहां, यहां और यहां पर जीरो। और बोल रहे जेड जो है वो इस ग्राफ की स्लोप है, और स्लोप बेटा हर बार एक जैसी है कि कम होती जा रही, कम होती जा रही। इसका मतलब एरिया के ऊपर जो पावर है वो एरिया के ऊपर एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड, एरिया के ऊपर जो पावर है वो फिक्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। यानी आप स्पीसीज रिचनेस ए पर डिपेंड तो करते हो लेकिन ए पर कॉन्स्टेंटली डिपेंड करते हो कि वेरिएबली? वेरिएबली। यानी जितना एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी तो, लेकिन उतना नहीं जितना पहले। नहीं समझ गया? आया? अब इसकी बायोलॉजी सुनो। हो सकता है एक मीटर स्क्वायर एरिया में आपको 10 स्पीसीज मिली हो। कितनी? 1 मीटर स्क्वायर में। तो सर जी अब आपको 2 मीटर स्क्वायर में 20 मिलनी चाहिए, मतलब 10 और, लेकिन आपको मिली 5। क्या मिली? 5। फिर से सुनो सर, पहले मीटर स्क्वायर में आपको मिली थी 10 स्पीसीज, दूसरे मीटर स्क्वायर में आपको मिली 5, टोटल हो गई 15। तो एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस घटी कि बढ़ी? बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं जितनी। बताओ यहां पर 1 मीटर स्क्वायर में कितनी थी? 10। अब 1 मीटर स्क्वायर 5। इसका मतलब एरिया पे डिपेंडेंसी फिक्स की वेरिएबल? वेरिएबल। अभी पल्ले नहीं पड़ा? अरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो। बोले अगले 1 मीटर स्क्वायर में सर हमको 3 मिली। कितनी मिली? 3। तो 10, 5, 15, 3, 18। तो बोले बेटा 3 मीटर स्क्वायर एरिया में बताओ स्पीसीज घटी की बढ़ गई? बढ़ गए, लेकिन उतनी नहीं। पहले में कितनी मिली थी? 10। दूसरे में 5, तीसरे में 3। इसका मतलब स्लोप
बढ़ रहा कि घट रहा है? बढ़ रहा है। स्पीसीज बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही बढ़ रही हैं कि कम? पहले कितनी बढ़ी? फिर तो बोलते अजीब बढ़ता हुआ क्रम है कि जो घट रहा है। यस सर बोलो। यही बात है जो लोगों को समझ में नहीं आती कि सर अजीब बढ़ता हुआ क्रम है कि जो घट रहा है। पहले मीटर में 10, दूसरे में 5, तीसरे में 3, अगले मीटर में मिली 2, अगले मीटर में 2, तो अब बेटा 4 मीटर स्क्वायर में 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20। बोले कि सर 4 मीटर स्क्वायर में स्पीसीज 20 हो गई। यस बिल्कुल, इसका मतलब एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ी, लेकिन अगले 1 मीटर स्क्वायर में उतनी नहीं बढ़ी जितना। इसका मतलब स्पीसीज बढ़ने का क्रम उतना नहीं है। बोले और 1 मीटर स्क्वायर जाओ और जाओ, अब की मिली 1 नई 1। तो बताओ 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21। तो भैया 5 मीटर स्क्वायर एरिया में तुम्हें 21 स्पीसीज मिली, पहले से कम की ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब ये बात सही है, स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ी, लेकिन उतनी इसका मतलब अब की बार कितनी बढ़ी? 1। तो ये बढ़ना बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए? घटते हुए। बढ़ते हुए? पहले 1 मीटर स्क्वायर में। अगर एरिया पे डिपेंडेंसी बराबर होती, एरिया पे डिपेंडेंसी तो अगर पहले 1 मीटर में 10 थी तो दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, पांचवे में 10। यस और नो? तो बोलते हैं यहां पर जो तुम्हारा स्लोप है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ। और एक बार ऐसा आएगा कि स्लोप अगले 1 मीटर स्क्वायर में नई स्पीसीज नहीं मिली, तो क्या स्पीसीज जीरो हो गई? नो। अगर 5 मीटर स्क्वायर में 21 थी तो 6 में भी 21, 7 में भी 21। बोले 1 मीटर और गए, अब की बार 2 मीटर गए तो 1 बढ़ी। कितनी? 1। पहले 1 मीटर में 1 बढ़ी थी, अब 2 मीटर में 1। तो 5 के बाद 6 में नहीं मिली, 7 में 1 और मिली। नहीं समझ में आया? तो बताओ अब एरिया बढ़ाया, स्पीसीज बढ़ी? यस और नो? यस सर बढ़ी, लेकिन यस, लेकिन बताओ इक्वल के अनइक्वल? अनइक्वल। बोले 7 मीटर स्क्वायर में 22 स्पीसीज हो गई। बोले अब 10 मीटर स्क्वायर में 23 स्पीसीज हुई। अब 3 मीटर एरिया बढ़ाया तब कितनी मिली? 1। तो क्या बढ़ा रहे हो? एरिया। स्पीसीज बढ़ रही है लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले। इसका मतलब ये बढ़ती जाएगी लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए? और इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि दिस जेड इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, और आधे लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट समझ ही नहीं पाते। मैं फिर बोलना, नहीं समझ पाते। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है घटता हुआ कोफिशिएंट। इसका मतलब एरिया में डिपेंडेंसी बढ़ती हुई है कि घटती हुई? घटती हुई। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। तो बताओ एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन हर बार इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। याद रहेगा? और इसका एग्जांपल है S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z, जहां पर Z वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए, नहीं मरोगे। व्हाट इज Z? इट इज tan थीटा। tan थीटा इज स्लोप, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्पीसीज अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर में स्पीसीज रिचनेस, यहां पर एरिया, और एस बाई ए हर जगह का इक्वल के अनइक्वल? अनइक्वल। इसलिए जेड अनइक्वल, और इसलिए जेड जितना एरिया बढ़ाते जाओगे जेड कम होता जाएगा, स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। अजीब पागलपन है सर, क्या पढ़ा रहे हो? एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी लेकिन इसका पावर कम होता जाएगा। इसका मतलब एस बाई ए कम होता जाएगा। एरिया जितना बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस उतनी कम होती जाएगी, किसमें? पावर में। ये नहीं समझ में आया? पहले मीटर स्क्वायर में 10 मिली थी, अगर दूसरे में भी 10 मिलती, तीसरे में भी 10 मिलती, तो एरिया पे डिपेंडेंसी 1 होती। क्या होती? 1। हर मीटर में 10। पर ऐसा नहीं है। तो बताओ स्लोप फिक्स है कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। और इस डिक्रीजिंग स्लोप को ही बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज सी?
एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, सी इज इंटरसेप्ट, सी इज इट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. मैं यकीन के साथ कह रहा हूं तुम इसे भी नहीं समझ पाओगे. देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाना चाहता है और आप उसे घमंड समझने लगते. मैं ऐसा कभी भी अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं कि तुम्हें मैं ही पढ़ा पाऊंगा, ऐसा नहीं. पर जब मैं डरता हूं कि तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम और तेजी से समझो. ये कतई कहने का मेरा मूड नहीं कि मैं ही केवल पढ़ा पाऊं. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय पर लोग इस इक्वेशन से बचते हैं. और उसका कारण मैं तुमको सी में डिफाइन करना चाहता हूं. बोलते हैं सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होना है. और भाई साहब अगर इस इंटरसेप्ट ऑफ वाई को तुमने वाई एक्सिस में जोड़ दिया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं. वाई एक्सिस पे जोड़ना मत इसे, इसीलिए एनसीईआरटी ने वाई एक्सिस पे इसे भी जोड़ा नहीं. अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो, क्योंकि अगर तुमने इसको वाई एक्सिस में जोड़ दिया तो तुम मान चुके हो एरिया कितना है, जीरो. और तुमसे बड़ा पागल नहीं है कि तुम कहो कि तुमने एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया और वहां पर स्पीसीज हैं. तुम अभी जंगल में घुसे नहीं और तुम्हें मालूम है स्पीसीज हैं. ये बात पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल. पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल. इसीलिए बुक कहती है कि सी इज द इंटरसेप्ट एंड वाई, और सी बताती है स्पीसीज रिचनेस. क्या बताती है? पर ये स्पीसीज रिचनेस बताती है यूनिट एरिया में. किसमें? यूनिट एरिया. और ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि सी विल डिपेंड अपॉन द यूनिट इन विच यूर एरिया इज गोइंग टू टेक प्लेस. हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. अगर तुमने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया, किसमें लिया, तो व्हाट इज सी? इट इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन वन सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं आया? अगर तुमने एरिया मीटर स्क्वायर में लिया, किसमें लिया, मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज सी? इट इज नंबर ऑफ स्पीसीज इन वन मीटर स्क्वायर. और अगर तुमने एरिया किलोमीटर में लिया, किसमें, किलोमीटर, तो इट इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इन वन किलोमीटर स्क्वायर. एंड दैट्स व्हाई ये ग्राफ इज टेंटेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. दिस ग्राफ टेंटेड टुवर्ड्स द, और एक्स एक्सिस में जहां ये काटता हुआ लग रहा है दैट इज यूनिट. यूनिट क्या? वन. अगर ये मीटर में है तो वन मीटर है, अगर ये सेंटीमीटर में तो वन सेंटीमीटर है, किलोमीटर में तो वन किलोमीटर है, अगर हेक्टेयर में है तो वन हेक्टेयर है. तो ग्राफ को एनसीईआरटी में गौर से देखो. बोलते हैं ये ग्राफ इंटरसेप्ट सा दिख रहा है, लेकिन ये इंटरसेप्ट कहां दिख रहा है? वाई में, लेकिन टेंटेड किधर है? एक्स. और वाई इज टेंटेड टुवर्ड द एक्स बिकॉज वी आर जस्ट बिकॉज हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी एक यूनिट एरिया में, आप कहोगे क्या बोल रहे हो, एक यूनिट एरिया में, वन यूनिट एरिया. वन यूनिट एरिया का मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर मीटर में है तो वन मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर में है तो वन किलोमीटर स्क्वायर. इसका मतलब सी की वैल्यू एक तरह के कॉन्स्टेंट भी है और वेरिएबल भी. बोलो कैसे सर? अगर तुमने यहां पर किलोमीटर लिया तो सी बदल जाए, मीटर लिया तो सी बदल जाएगा, सेंटीमीटर लिया तो सी बदल जाएगा. इसका मतलब सी की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ द एरिया. तो कई टीचर ने ये किया है, मैंने मुझे मालूम है, वो बोलते हैं ग्राफ गलत है, कटवा देते हैं. बोलते हैं इंटरसेप्ट पे है तो इंटरसेप्ट पे कट करना चाहिए, और वो लोग इस इंटरसेप्ट को यहां जोड़ देते हैं. मैंने भी देखा है, प्लीज मत जोड़ना.
क्योंकि इंटरसेप्ट में जोड़ने का मतलब है तुम वाई पे इंटरसेप्ट दे रहे हो और तब तुम मान रहे हो एरिया कितना है, जीरो। इसका मतलब तुम ये बता रहे हो कि एरिया तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया और वहां पर स्पीसीज हैं। ऐसा होगा, इसीलिए वो कहते हैं व्हाट इज सी, इट इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन जीरो एरिया की 1 मीटर स्क्वायर, हमेशा 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया सेंटीमीटर में लिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में लिया तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर में लिया तो 1 हेक्टेयर स्क्वायर, 1 स्क्वायर हेक्टेयर में जो होगा, समझ गए। इसलिए ग्राफ लग इंटरसेप्ट वाई मेरा, लेकिन टेंटेड किधर है। एनसीईआरटी जरूर देखो, और जब भी कोई चीज एनसीईआरटी में काटा करो या कोई टीचर बोले काट दो, उसके पहले 3 बार 4 बार सोचा करो। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अब बात पकड़ लोगे जी, कितनी आसानी से तुमने सुना। ये होता है स्टूडेंट का सुनना और ये होता है टीचर का बताना। यही चीज मैं जब कल बताता और तुम शोर करते तो नहीं समझ में आती। जब मैं कहा करूं कि बेटा ध्यान दो तो ध्यान दो, इसका लॉग इक्वेशन भी है, पर पहले तुम ये इक्वेशन संभाल लो, मैं लॉग इक्वेशन पढ़ा दूंगा। पढ़ाओगे? यस सर। अब पूरा बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाना है। बताओ साइंटिस्ट जर्मन था? यस सर। बहुत बढ़िया, जर्मन साइंटिस्ट था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था? यस सर। और उसने केवल एक बात बोली है, उसने डायग्राम आइग्राम कुछ बाद में नहीं दिया, वो बात की बात है। उसने कहा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो पहले इतना सीखो, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ेगी, पर हर बार जब एरिया बढ़ेगा तो इक्वल स्पीसीज बढ़ेंगी कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। और इसीलिए इस इक्वेशन को समझाने के लिए ग्राफ बहुत जरूरी है। देयर इज अ वन इक्वेशन विच इज नॉट सॉल्व बाय विदाउट ग्राफ। ये इक्वेशन बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इस इक्वेशन को पहले ग्राफ बनाए गए, फिर इसकी इक्वेशन सॉल्व की गई। और इस इक्वेशन को ग्लीसन इक्वेशन बोलते हैं। कभी मन करे गूगल कर लेना, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की इक्वेशन नहीं है। और ये इसलिए मुझे आती है क्योंकि मैंने मजबूर होकर के पढ़ा, क्योंकि मुझे भी लगता था, सच बोलूं तो एक बार मेरे से भी गलती हुई कि मैंने इंटरसेप्ट वाई में डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा सी इज इंटरसेप्ट, सी इज, और इंटरसेप्ट हमेशा कहां काटना चाहिए, वाई में। तो मैंने डाल दिया और वाई में जैसे इंटरसेप्ट डाला, दूसरे दिन मेरे को लोग हंसने लगे, बोले सुनील क्या पढ़ा रहे हो, अगर तुमने वाई में इंटरसेप्ट डाल दिया इसका मतलब एरिया तुमने क्या ले लिया, जीरो। इसका मतलब तुमने अभी तक जंगल में तुम घुसे भी नहीं और तुम्हें स्पीसीज मालूम है। और सच बताएं वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। When this graph is study for the discovery of species, क्या बोला? तब आप इस intercept को y axis में डाल देते हो। इसका मतलब तुमको मालूम है कि तुम अभी जंगल में नहीं घुसे हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ species हैं। These are inventories. These are. फिर से बोलो। Inventories. इसका मतलब ये already discovered species हैं, जो तुम नहीं ढूंढे हो, कोई और ढूंढ के गया। पर तब वो ग्राफ स्पीसीज एरिया ग्राफ होगा कि इसकी स्पीसीज डिस्कवरी ग्राफ। ये स्पीसीज, वो स्पीसीज डिस्कवरी। और तब तुम मानोगे कि तुम जंगल में अभी गए भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें मालूम है इस जंगल में इतनी स्पीसीज रहती हैं। कैसे मालूम? IUCN ने बताया। किसने बताया? IUCN। तो मैं उसमें भी पूरी तरीके से गलत नहीं था, पर ये स्पीसीज डिस्कवरी ग्राफ नहीं है। इसलिए इस ग्राफ को दोबारा पढ़ना चाहिए। और मैं एनसीईआरटी की इतनी सारी बातों को गलत नहीं मानता हूं, तो मैं नहीं मानूंगा कि हाइपरबोला नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज हाइपरबोला, लेकिन उन्होंने बोला कि सुनील ये हाइपरबोला है, तो मैंने मान लिया हाइपरबोला, लेकिन मुझे पैराबोला लगता है। तो उन्होंने बोला कि स्पीसीज रिचनेस कुछ इस तरीके का ग्राफ रखती है। तो मैंने कहा इस ग्राफ की इक्वेशन बताओ। अब बेटा बता देना, उन्होंने कहा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इन्होंने बोला एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। और जब मैं एक एक को डिफाइन करने लगा तब आप बताने लगी व्हाट इज एस, स्पीसीज रिचनेस। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। व्हाट इज ए,
एरिया एक्सप्लोर्ड। यस, बहुत मजा आई आज मुझे, आप लोगों ने इतना साथ दिया ना, तो बेटा हम लोग किसी भी टॉपिक की हालत खराब कर सकते। इट इज एरिया और इसका डायग्राम क्या बना, एस सी ए की पावर जेड। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, जेड। जेड इज टैन थीटा, टैन थीटा। या फिर स्लो, पक्का। इट इज एस बाई ए। तो बेटा तुमको कैसे मालूम कि ये जेड वेरिएबल है, ये तुमको थीटा थ्योरी से मालूम ही नहीं हो सकता जब तक क्या ना देखो, ग्राफ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन बिना ग्राफ के डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हें z का मतलब स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप। और तुमको पता चल रहा है यहां पर स्लोप कम की ज्यादा, यहां यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो एक दिन z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब वन, इसका मतलब s इक्वल टू c, इसका मतलब स्पीसीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी है। यस और नो, यस नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इसको समझने की कोशिश करो। तो बोला गया s c a की पावर z, अगर z है तो याद रखना ये s बाई a फिक्स की वेरिएबल, वेरिएबल। और ना मन करे तो इसको छोड़ देना, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, स्लोप। और स्लोप फिक्स की वेरिएबल, वेरिएबल। कभी स्लोप ज्यादा तो पावर, अगर स्लोप ज्यादा तो पावर, तो एरिया पे डिपेंडेंसी, यानी कम एरिया में स्पीसीज ज्यादा। और जैसे ही स्लोप कम तो पता हो पावर कम, तो एरिया में डिपेंडेंसी कम, तो उतने ही एरिया में स्पीसीज कम। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले मीटर स्क्वायर में हो सकता है 10, दूसरे मीटर स्क्वायर में 5, फिर से बोलो, तीसरे मीटर स्क्वायर में 3, अगले मीटर स्क्वायर में 2, अगले मीटर स्क्वायर में 1, अगले 2 मीटर स्क्वायर में 1। इसका मतलब एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ रही है, लेकिन इसका बढ़ना बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए। पहले कितनी थी, 10, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब बढ़ोतरी बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए, इसका मतलब स्लोप बढ़ते हुए क्रम में कि घटते, घटते। इसका मतलब z बढ़ते हुए क्रम में कि घटते, इसलिए z का नाम रिग्रेशन कोफिशियंट। फिर से बोलो, और अगर ये रिग्रेशन कोफिशियंट है तो ये बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, घटता। और एक दिन ये जीरो हो जाएगा, क्या स्पीसीज जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो, पावर जीरो, आगे बढ़ना नहीं है, बढ़ेगा नहीं, और नहीं बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस अपने मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई। यस और नो, यस। फिर आता है सी, जो अपने आप में बवाल है, और यही चीज है जो बुक ने डिफाइन नहीं की। और जब सी बताने का टाइम आता है तो लोग इतना लिख के निकल लेते हैं, सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई। बिल्कुल इंटरसेप्ट ऑन वाई है, मैं भी कहता हूं। इसका मतलब सी इज दिस, ये है सी, और ये किस एक्सिस पर है। इसका मतलब ये किसके बारे में बता रहा, स्पीसीज रिचनेस। जब एरिया जीरो, जब एरिया यूनिट, यूनिटरी, यूनिट में यूनिटरी एरिया लिया जाए, अगर एरिया मीटर स्क्वायर में 1 meter square, तो व्हाट विल बी सी, सी विल बी द नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 meter square, अगर सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर। तो अजीब है सी कि ये कांस्टेंट भी है और वेरिएबल, क्या वेरी कर दो, यूनिट ऑफ एरिया सी विल वेरी। नहीं आया, इट इज अ इंटरसेप्ट ऑन वाई। और इस तरीके से आपको यहां पर इक्वेशन मिली। सर इससे क्या समझे, कुछ मत समझो, इतना समझो कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए। और एक पॉइंट के बाद तुम जितना एरिया बढ़ोगे नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप पूरा एरिया एक्सप्लोर करो। अब जेड की पावर कितनी, जेड कितना हो चुका है, जीरो। इसका मतलब स्लोप कितनी हो गई, जीरो। अब रिचनेस बढ़ने वाली नहीं, इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी कि सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट। कुछ आया, yes,
बोलते हैं इसका लॉग ग्राफ भी बनाया जा सकता है, हटा दें, yes, बोले इसका लॉग ग्राफ भी बनाया जा सकता है, S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z, बोलते हैं इधर ले लो लॉग S इज इक्वल टू लॉग C, Z आया आगे प्लस Z लॉग A, पक्का? पर लॉग ग्राफ अर्थमेटिक ग्राफ जैसे नहीं होते, फिर से सुन लो, लॉग की वैल्यू, लॉग वन की वैल्यू वन ही होगी और लॉग जीरो की वैल्यू, हाँ, लॉग वन की वैल्यू जीरो, पक्का? यस सर। तो इस बात को ध्यान रखना, लॉग में वन का मतलब वन नहीं है, जीरो। तो बोलते लॉग ग्राफ लाइन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इट इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है आपको? yes, और बोला जाता है इट इज वाई एक्सिस, फिर से बोलो, इट इज एक्स एक्सिस, फिर से बोलो, इट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई, इट इज स्लो। पढ़े हो कभी? yes, मैं इसलिए नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है? इट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, व्हाट इज सी, what is log s, it is y axis, तो अब की बार ग्राफ s में होगा कि log s, log s, तो y axis में आप s लोगे कि log s, log s, और x axis में एरिया लोगे कि log a, log a, तो बताओ आपको जो इंटरसेप्ट मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा वो c मिलेगा कि log c, log c, अगर ये log c है तो बताओ ये इक्वेशन लीनियर जाएगी, और इसीलिए इक्वेशन विल बी द लाइन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, लाइन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन होगी, लाइन। और अब आपको स्लोप कांस्टेंट दिखेगा, लेकिन ये रियल में कांस्टेंट है कि log में कांस्टेंट, लॉग में कांस्टेंट का मतलब है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, और फिर जेड की वैल्यू उन्होंने कहां से कहां वेरी की है, देखो आपकी बुक में लिखा है 0.1 से 0.2, और बोलते हैं अगर एरिया लार्ज है, इफ एरिया इज लार्ज तब भी ये फिक्स नहीं है, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 to 1.2, समझ रहे हो? और इस तरीके से आपको बोला गया द जेड इज फिक्स की वेरिएबल, वेरिएबल, और जिसका वेरिएशन कितना है 0.1 to 0.2, और बताओ ये कैसा कोफिशिएंट है, रिग्रेशन, हाँ, मतलब बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए, मतलब एरिया बढ़ाने पर, अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते हुए कि कम में कि घटते हुए, पहले मीटर स्क्वायर में 10, अगले में भी 10, अगले में भी 10, इसका मतलब बढ़ रही है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए, और इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.1 से 0.2 इफ एरिया इज स्मॉल, और इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 कहां, हाँ, और आखिरी बात जो तुम सुनना नहीं चाहते, सुनोगे? yes, फिर घर जाओ आराम से सो, मैं भी सोता हूं। यहां पर स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस में जो स्पीसीज लोगे, बड़े खतरनाक टॉपिक है बेटा ये, लोग बचते हैं, जो स्पीसीज लोग वो एक प्रकार की लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक जगह पर बर्ड ले रहे हो तो एक जगह स्नैक ले रहे हो, अगर एक जगह बर्ड लिया एक ज्योग्राफिकल एरिया में तो दूसरे में भी बर्ड, या फिर एक ट्रॉपिक लेवल के लोग लेना, अब बोलो बर्ड भी उसी ट्रॉपिक लेवल में, ह्यूमन भी उसी ट्रॉपिक लेवल में, लेकिन शेर उस ट्रॉपिक लेवल में नहीं है, तो एक ही टाइप की स्पीसीज लेना तभी ये ग्राफ फॉलो होगा। जैसे तुमने बोला कि सर मैं प्लांट की स्पीसीज को चूहों की स्पीसीज के साथ एरिया में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बेवकूफ हो तुम,
क्योंकि प्लांट इज प्रोड्यूसर, चूहा इज कंज्यूमर। सर मैं गेहूं की स्पीसीज को राइस के स्पीसीज के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, करो। सर मैं चूहे को, चूहे की स्पीसीज को सर मैं रैबिट की स्पीसीज के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, करो। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें लार्ज कंटिनेंट में फ्रूगी वोरस वर्ड ढूंढनी है, बोलो क्या, यानी बर्ड ढूंढनी है कि फल खाने वाली, फल खाने, अगर बर्ड ढूंढने गए तो ये ग्राफ फॉलो नहीं हो, क्योंकि बर्ड तो जाने कितने प्रकार की, कुछ इंसेक्ट खाती होंगी, कुछ कुछ खाती होंगी, तुमने कौन सी बर्ड ढूंढना चालू किया, फ्रूगी वोरस, फ्रूट खाने वाली बर्ड डिस्कवर करना चालू किया, तो क्या ये ग्राफ फॉलो होगा? यस नो सर? नहीं yes, यानी कि आप जब भी स्पीसीज डिस्कवर करने जाएं या स्पीसीज का रिचनेस देखें तो कोई भी स्पीसीज ले लेंगे, एक टाइप की स्पीसीज या फिर एक ट्रॉपिक लेवल की स्पीसीज, पक्का? जैसे कि मैं मैमल की स्पीसीज रिचनेस, मैं मैमल की स्पीसीज रिचनेस बर्ड की स्पीसीज रिचनेस से देखना चाहता हूं, इम्पॉसिबल, ये ग्राफ फॉलो नहीं होगा, नहीं फॉलो होगा। लेकिन मैं हार्वी वोरस एनिमल को डिस्कवर करने जा रहा हूं, तो बताओ गोट और हिरन की स्पीसीज को डिस्कवर कर रहा हूं, फॉलो होगा, क्योंकि दोनों एक ही ट्रॉपिक लेबल को बिलोंग करते हैं। और मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये ग्राफ इतने आसान नहीं है, इनमें बहुत सारे स्टार लगे हैं, और जहां स्टार लगा होता वहां लिखा होता कंडीशन अप्लाई, तो एक कंडीशन अप्लाई है कि तीन? पहला तो कंडीशन अप्लाई है सी में, दूसरा कंडीशन अप्लाई है जेड में, तीसरा स्पीसीज रिचनेस में। कोई स्पीसीज लोगे कि स्पेशल? स्पेशल, या तो वे एक ट्रॉपिक लेवल की हो या तो एक टाइप की। तो बताओ जेड अगर छोटे एरिया में ढूंढा जाए तो इट इज 0.12.2, बड़े एरिया में 0.62, 1.6, 1.2। और मुझे यकीन है कि तुम्हें चाहे सब भूल जाओ लेकिन ये तुम कभी नहीं भूलोगे कि एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ती तो है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कि घटते। और इसीलिए Z जिसका नाम है S/A, ये फिक्स है कि वेरिएबल? और ये जितना एरिया बढ़ाओगे ये S/A बढ़ता जाए कि घटता जाएगा? घटता जाएगा। S/A घटता जाएगा, S बढ़ती जाएगी, A बढ़ता जाएगा, लेकिन जितना A बढ़ेगा उतना S नहीं बढ़ेगा, इसलिए S/A घटता जाएगा। क्या बोला, फिर से बोलो, एरिया बढ़ाने पर S बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा S भी बढ़ेगी, लेकिन जितना एरिया बढ़ेगा उतना S नहीं बढ़ेगा, इसलिए S/A घट जाएगा। यस और नो? इसका मतलब Z बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? लेकिन स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। अजीब पागलपन है कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी लेकिन स्लोप घटती जाएगी, और एक लिमिट के बाद ये जीरो। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आया कि नहीं आया? पक्का? और अब कोई भी कुछ भी कहे लड़ाई मत करना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लड़ना किसी से नहीं, पक्का? हाँ, ओके, टेक केयर, बाय बाय।